हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में और उस प्रोडक्ट का नाम एग्री ह्यूमिक है। तो आज हम एग्री ह्यूमिक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें क्या पाया जाता है, इसको फसलों पर लगाने से क्या क्या फायदे होते हैं, इसको किन फसलों पर हम प्रयोग कर सकते हैं, इसको कब प्रयोग करना चाहिए, कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसकी कितनी मात्रा हमको फसल पर प्रयोग करनी चाहिए और इसकी कीमत क्या है। तो सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस प्रोडक्ट का नाम एग्री ह्यूमिक है और ये एग्री ह्यूमिक वेस्टिज कंपनी का ये प्रोडक्ट है, जो कि ये नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनी है। इसका एग्री ह्यूमिक दो फॉरम में आता है, एक तो लिक्विड फॉरम में आता है, एक दानेदार फॉरम में आता है। आज हम बात कर रहे हैं जो कि एग्री ह्यूमिक लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं। इस एग्री ह्यूमिक लिक्विड में ह्यूमिक एसिड पाया जाता है, जो कि 6% पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फ्लुविक एसिड और ह्यूमिन भी पाया जाता है। ये एक जैव उत्प्रेरक प्रोडक्ट है, जो कि ये पौधों की बढ़वार काफ़ी तेजी से करता है। इसको जब भी हम फसलों पर लगाते हैं तो इसके कुछ फायदे हैं। ये जड़ों की ग्रोथ को काफ़ी तेजी से करता है और अधिक संख्या में करता है। पौधे की जो मेन जड़ होती है, मेन जड़ से प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स, थर्ड ईयर रूट्स, ये काफ़ी तेजी से अलग अलग निकालता है और अधिक संख्या में ये निकालता है। ये पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जो वानस्पतिक वृद्धि होती है, उसको काफ़ी तेजी से ये बढ़ाता है। इसको आप फसलों पर प्रयोग करने से पौधे की शाखाएँ अधिक निकलती हैं और तेजी से निकलती हैं। इसको जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो फसलें या पौधे तनाव मुक्त हो जाते हैं और इसको प्रयोग करने से फसलों या पौधों में फल फूल की संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है और फूल फलों में अधिक परिवर्तित होते हैं। इसको प्रयोग करने से फसल की पैदावार काफ़ी बढ़ती है, पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, जो फसलों में फल होते हैं फलों का साइज बढ़ता है और उनकी क्वालिटी बढ़ती है, फलों की जो धारण क्षमता होती है वो अधिक हो जाती है और जो कंद वाली फसलें होती हैं, जैसे आलू है, लहसुन है, प्याज है, उनका साइज भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि इसको जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये किन किन फसलों पर, इसको हम किन किन फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस एग्री ह्यूमिक को आप सभी फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मिर्च, टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, धनिया, पालक, मेथी, अदरक, प्याज, लहसुन, सेब, आम, अंगूर, लीची, स्ट्रॉबेरी, भिंडी, सेम, चना, मटर, अरहर, उड़द, मूंग, खरबूजा, तरबूज, करेला, खीरा, ककड़ी, कद्दू, लगभग सभी फसलों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे फल वाली फसलें हों, चाहे सब्जी वाली फसलें हों, चाहे दाल वाली फसलें हों, चाहे कंद वाली फसलें हों, सभी फसलों में आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम कब प्रयोग कर सकते हैं और कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को आप फसल की किसी भी अवस्था पर प्रयोग कर सकते हैं। इसको कैसे प्रयोग करना चाहिए, तो इसको आप दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। एक तो आप इसको जब भी फसलों पर छिड़काव कर रहे हैं तो छिड़काव के समय आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप जब भी ड्रेंचिंग कर रहे हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो ट्रांसप्लांटेड फसलें होती हैं, रोपित फसलें होती हैं, जैसे मिर्च, टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, ये ऐसी फसलें हैं जो रोपित फसलें हैं। इनकी हम रोपाई करने के तुरंत बाद ड्रेंचिंग करते हैं, तो ड्रेंचिंग में भी आप इस एग्री ह्यूमिक का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं, और तीसरा, आप इसको बीज उपचार में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी भी फसल का यदि बीज की बुवाई कर रहे हैं और उससे पहले यदि आप बीज को उपचारित कर रहे हैं तो बीज उपचार के समय भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर आप मार्केट से ही बीज को लेकर आते हैं, ज़्यादातर किसान भाई बीज को मार्केट से लेकर आते हैं, जो कि हाइब्रिड बीज लेकर आते हैं, वो ऑलरेडी ट्रीटमेंटेड होते हैं, उपचारित होते हैं। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो घरेलू बीज को किसान भाई बोते हैं, जैसे आलू है, आलू की हम बुवाई करते हैं तो उसके बीज को हम पहले उपचारित करते हैं। तो आलू के बीज को यदि आप उपचारित कर रहे हैं तो उस समय आप एग्री ह्यूमिक लिक्विड का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं डोज की।
तो इसको आप कैसे और कितनी मात्रा आप इसका प्रयोग कर सकते हैं? यदि आप इसकी जो मात्रा है, इसकी मात्रा फसल की अवस्था पर, फसल के प्रकार पर, मौसम पर निर्भर करती है कि इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए। यदि आप स्प्रे में प्रयोग कर रहे हैं, स्प्रे में यदि आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, फसल की अवस्था छोटी है, तो उस समय आप लगभग 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप पानी के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं तो 25 से 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि फसल की अवस्था परिपक्व है, मैच्योर है, तो उस समय आप 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी के हिसाब से यदि इस्तेमाल कर रहे हैं तो 40 से 50 ml प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप ड्रेंचिंग में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ड्रेंचिंग में आप किसी भी फसल में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ड्रेंचिंग में आप 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप बीज उपचार में इसका प्रयोग कर रहे हैं, बीज उपचार में इसका आप 8 से 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कीमत की, तो इसकी जो कीमत है, इसकी एक एक्यूरेट कीमत होती है। इसकी जो एमआरपी है, इसकी एमआरपी 650 रुपये होती है, और इसकी जो बिक्री रेट है, बिक्री रेट ये मार्केट में आपको 550 रुपये का मिल जाएगा। और ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का ये प्रोडक्ट है, तो हर जगह ये मार्केट में उपलब्ध नहीं होगा। जहाँ जहाँ पर इसके स्टोर हैं वहीं पर इसकी उपलब्धता होगी, और ये एक ही पैकिंग में उपलब्ध होता है, जो कि ये 500 ml में ही आपको ये उपलब्ध होगा। तो ये रहा वेस्टीज का एग्रोह्यूमिक लिक्विड, जो कि ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, और इसको फसल पर लगाने से फसल काफ़ी अच्छी भी होती है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। तो ये रही एग्रोह्यूमिक प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।